दोस्तों आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की न्यूज़ एसएमएस न्यूज़ लाइव पर जो आती है, जिसको हम भी अक्सर आपके सम्मुख लेकर आते हैं दोस्तों, उसकी एक न्यूज़ पर आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। सवाल यह है कि एसएमएस न्यूज़ लाइव ने एक अखबार की यहाँ पर न्यूज़ दी है, जिसमें कहा है कि आज की बड़ी खबर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोस्तों इसमें ख़ास बात यह है कि निवेशकों को ये न्यूज़ हज़म नहीं हो पा रही, वो इस न्यूज़ पर यानी कि इस भ्रमिक न्यूज़ पर अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं, अपने कुछ कमेंट भेज रहे हैं, जिसमें वो इस न्यूज़ पर यही कह रहे हैं कि यह कौन सी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की न्यूज़ है। कोई कह रहा है कि ये राजकुमार मोदी का आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, शायद ये आदर्श हाउसिंग हो सकती है। जी दोस्तों, आदर्श हाउसिंग मुंबई में एक फ्लैट्स जो सैनिकों के जो विधवाएं थी उनके लिए कुछ फ्लैट्स का गोरख धंधा हुआ था, वो उसके बारे में यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो आदर्श क्रेडिट हाउसिंग हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं इस न्यूज़ के ऊपर। इनका कहना है कि इनका आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, भैया कहाँ की न्यूज़ है, कैसी न्यूज़ है, कुछ इस तरीके के भ्रमिक न्यूज़ पर कमेंट चल रहा है। तो दोस्तों ये न्यूज़ हम आपके लिए इसलिए लेकर आए ताकि आप भी देख सकें कि इस वक्त जो मीडिया में भ्रमिक न्यूज़ चलाई जा रही हैं, उनमें कहीं की पहुँच, कहीं का सिरा जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच्चाई या वास्तविकता का उन न्यूज़ों से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो न्यूज़ें आप तक लाई जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज की बड़ी न्यूज़ जो हमारे पास आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये आई है, जिसे भ्रमिक न्यूज़ माना जा रहा है। ये न्यूज़ पत्रिका अखबार के माध्यम से हमारे पास आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अंतरिम जमानत याचिका दायर करने के लिए आदर्श घोटाले मामले के आरोपी राजकुमार मोदी पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। या दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ पत्रिका में आई है जिसमें इसका हेडिंग है, बार बार जमानत अर्जी देने पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के आरोपी पर जुर्माना, जो नई दिल्ली पत्रिका अखबार से आई है। पत्रिका अखबार की ये न्यूज़ दोस्तों शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अंतरिम जमानत याचिका दायर करने के लिए आदर्श घोटाले मामले के आरोपी राजकुमार मोदी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत को बढ़ाने संबंधी अर्जी खारिज करते हुए कहा कि बार बार अर्जी दायर करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मोदी को 15 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में मां की गंभीर बीमारी के नाम पर 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। उसके बाद उसने मां का निधन होने व पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि अब अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने संबंधी कोई याचिका नहीं सुनी जाएगी। दोस्तों हमारा आपसे इस न्यूज़ को दिखाने का मतलब यही है कि इस तरीके की न्यूज़ें जो हमारे पास आती हैं, तो उन न्यूज़ों का सत्यापन करने के लिए ये न्यूज़ हमने आप तक पहुंचाई है कि क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है। आप भी अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए कि क्या ये पत्रिका अखबार के द्वारा जो फेक न्यूज़ दी गई है, अगर हम ये आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो दोस्तों ये बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी जो न्यूज़ हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है वो ओरिजिनल न्यूज़ आप तक पहुँचाएँ। लेकिन कुछ इस तरीके की साइडें हमारे पास न्यूज़ों की आ जाती हैं, जिन पर कभी कभी हमें भी मतलब थोड़ा सा न्यूज़ देने में हिचहिचाहट होती है, क्योंकि वो न्यूज़ जो आप लोगों के लिए सही नहीं है वो हमें भी सही नहीं है। तो दोस्तों
अगर आज की ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जय भारत।